चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव की, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन तीनों को मैंने अपलोड किया है, अच्छे तरीके से आपको समझाया है, वो वीडियोस देखिए। उसके बाद आप आज पढ़ेंगे हम एडजेक्टिव, ओके। आइए तो सबसे पहले हम जानते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं कि नाउन और प्रोनाउन क्या है, उसकी क्या विशेषता है। वो सभी वर्ड को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, सुषमा इज अ प्रिटी गर्ल, कह रहा है सुषमा जो है ये प्रिटी गर्ल है, ठीक है। अब यहाँ पे नाउन कौन सा है, ये है नाउन, और सुषमा जो है ये प्रिटी गर्ल है, ठीक है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये वर्ड है, ये है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ये प्रिटी, ये सुषमा की विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे प्रिटी जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये किसके विशेषता को प्रकट कर रहा है, नाउन, नाउन कौन है यहाँ पे, सुषमा। समझ में आ गया। That beer is black. अब beer की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, ब्लैक, वो काला है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ये हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा इसका। समझ में आया। आई हैव मैनी बुक्स, ठीक है, बहुत सारी बुक्स है लेकिन बहुत सारी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा हमारा नाउन। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, देयर इज अ लिटिल टी, ठीक है। अब चाय कितनी है, कम है या ज्यादा है उस कप में, बोला कि लिटिल है, कम है, तो इसके लिए एडजेक्टिव हमारा ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव शो करवा रहा है, ओके। समझ में आ गया। तो ये था हमारा एडजेक्टिव, एक बार फिर से देख लीजिए, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं, ठीक है। तो ये होगी उसकी एग्जाम्पल्स। आइए जो कुछ टाइप्स भी होती है एडजेक्टिव की उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी क्वालिटी को, किसी के गुण को शो करवाती है, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव, ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाण, ओके। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब वो संख्या कितनी है, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना बहुत सारी, मैनी बुक्स, ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव से क्या बनता है, प्रश्नवाचक। पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पोजेसिव क्या हो गया, संबंध, तो संबंधवाचक, ठीक है। तो ये हो गए इसके काइंड। आइए तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी काइंड्स को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए तो अब हम इसके फर्स्ट काइंड की बात करते हैं। सबसे पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी, जो क्वालिटी को शो करवाता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो करवाते हैं, वह एडजेक्टिव जो नाउन के, नाउन का गुण, नाउन का दोष, उसका रंग रूप को प्रकट करते हैं। जैसे ए ब्लू लिली, इसके रंग रूप को प्रकट कर रहा है, ये लिली कौन किस कलर की है, ब्लू कलर की है, तो ब्लू क्या है यहाँ पे, ये क्वालिटी ऑफ, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्लेवर गर्ल, चलाक लड़की है वो, ठीक है, एक चलाक लड़की है, तो ये क्या है, ये इसके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है, क्यों, क्योंकि ये क्या बता रही है, विशेषता बता रहा है ना गर्ल की, है ना, ये चलाक लड़की है। उसके बाद बोल रहा है एक ईमानदार बंदा, है ना, ये ऑनेस्ट मैन, तो ये भी क्वालिटी बता रहा है कि ये ऑनेस्ट मैन है, ठीक है, ये इसको गुण बता रहा है कि ये ईमानदार है ना, तो ये गुण की बात हो रही है यार, ईमानदार बंदा है। अब बेईमान होगा, अब हम बोले यार ये तो बेईमान लड़का है ना, तो क्या हो गई, ये उसको गुण बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, ये टू टाइप्स के होते हैं, एक एट्रिब्यूटिवली, एक प्रेडिकेटिवली, ठीक है। तो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट से ही बनता है प्रेडिकेटिवली। सबसे पहले एट्रिब्यूटिवली को देखते हैं, इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है, कह रहा है कि इसमें क्या होता है, जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन से पहले उसका इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखिए, ओल्ड मैन, अब ये मैन क्या हमारा, ये नाउन है, नाउन से पहले किसका इस्तेमाल हुआ, नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ हमारा एडजेक्टिव का, ये बूढ़ा इंसान है, ठीक है, तो क्या हो गई, इसकी क्वालिटी बता रही है, बूढ़ा है, ये जवान है, ठीक है,
रेड फ्लावर, तो फ्लावर के फ्लावर क्या है, एक ये फ्लावर है जो ये एक नाउन है, ठीक है, ये नाउन है ना, हो गया। तो इसके पीछे हमने लगा दिया क्या, एडजेक्टिव, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा एट्रिब्यूटिवली, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। प्रेडिकेटिवली में क्या होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होगा, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारे इज क्या है, इज हमारा वर्ब है, ठीक है, किस तरह का वर्ब है, ये आ जाएगा जब लिंकिंग वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब नहीं है ये हेल्पिंग वर्ब के टाइप में आता है ये, ठीक है। देखिए द पेंसिल इज हार्ड, ठीक है, ये पेंसिल क्या है, हार्ड है, तो ये आ गया हमारा लिंकिंग वर्ब, ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा एडजेक्टिव, ओके, यही तो कह रहा है एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होता है, तो ये हमारा एक फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, ठीक है, तो इसी के बाद आ गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये इस हमारा क्या है, ये हमारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, ये जब हम पढ़ेंगे टेंसेस पढ़ेंगे उसमें ये सब चीजें हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद है दिस शर्ट इज वाइट, ये शर्ट जो है ये वाइट है, ये इज भी एक लिंकिंग वर्ब है ना, तो इसके बाद जो एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा उसे कहते हैं प्रेडिकेटिवली, ओके, ये समझ में आया कि एट्रिब्यूटिवली क्या हो गया, प्रेडिकेटिवली क्या हो गया, ठीक है। आइए तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है ये सिंपल हम इसे कह सकते हैं प्रॉपर, प्रॉपर क्या होता है, जो पूरा पक्का हमें पता होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर चीज है। अब ये देख क्या है, प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनते हैं उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे कि द मौर्यन अंपायर, द मौर्यन अंपायर, ये मौर्यन अंपायर क्या है, ये प्रॉपर है ना, बिल्कुल ये मौर्यन अंपायर है, बिल्कुल प्रॉपर है, ये प्रॉपर नाउन से बना है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। और चाइनीज पिलग्रिम, जो चाइनीज पिलग्रिम है, ठीक है, ये प्रॉपर पिलग्रिम से है, तो इसलिए इसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाएगा। इंडियन सोल्जर, सोल्जर है वो इंडियन से, ठीक है, तो ये हमें एडजेक्टिव शो करवा रहा है, कौन सा एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, ओके। नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या हो गया, कितनी मात्रा में कोई चीज है, जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा का प्रकट होती है, ठीक है, जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा प्रकट होती है, भाई वो वस्तु कितनी मात्रा में है, जैसे सम शुगर, ठीक है, शुगर कितनी मात्रा में है, कम मात्रा में है, तो सम शुगर आ गया। मच वेट, अब क्या हो गया, वेट कितना है, बता रहे कितनी मात्रा में वेट है, मच वेट, ठीक है। पानी का कितना है, इनफ वाटर, ठीक है। उसके बाद देखिए मिल्क कितना है, भाई लिटिल मिल्क, ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये वस्तु की मात्रा को प्रकट कर रहा है, इसलिए इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाएगा, ओके। आइए तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब नंबर से ही हमें पता चल जाता है कि ये एडजेक्टिव जो है ये हमें ये बताएगा कि किसी भी वस्तु की कितनी संख्या है, ठीक है। तो देखिए जिस वर्ड से वस्तु की संख्या प्रकट होती है, जिस वर्ड से वस्तु की संख्या के बारे में पता चलता है उसे कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये दो तरह के होते हैं, नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट होता है जो हमें पता है कि ये इतने नंबर है, चार बच्चे हैं, पांच बच्चे, दैट इज डेफिनेट। एक होता है इनडेफिनेट जो हमें पता नहीं है, ठीक है। देखिए डेफिनेट होता है व्हेन दे एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट नंबर, जब वो एक एग्जैक्ट नंबर बताता है, जैसे कि 10 गर्ल्स है ना, कितने गर्ल्स हैं 10, फोर्थ रो सिंगल डेस्क, वो सिंगल डेस्क है, ठीक है। तो ये क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये एग्जैक्ट नंबर है ना, पूरे पक्का हमें पता है ये एग्जैक्ट है, 10 गर्ल्स है, 10 ही है। अब दूसरा होता है इनडेफिनेट, व्हेन दे डू नॉट एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट नंबर, जब वो एग्जैक्ट नंबर को एक्सप्रेस नहीं करता है, जैसे ऑल टॉयज, सभी टॉय, ठीक है, ए फ्यू बसेस, कुछ बसेस, सेवरल पीपल, ठीक है, मैनी पीपल्स, तो ये क्या हो रहा है, ये हमें एक्सप्रेस कर रहा है कि डेफिनेट नंबर नहीं है, ठीक है, ये हमें ये बता रहा है
कि डू नॉट एक्सप्रेस एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट नंबर के बारे में हमें नहीं बता रहा है, और ये डेफिनेट जो होते हैं वो हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताते हैं। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। आइए तो अब हम नेक्स्ट काइंड को डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं आइए उसको देखते हैं। जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करे, बोल रहा कि जो एडजेक्टिव अपने बाद, चलिए तो अब हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ओके। इसकी डिफाइन देखिए क्या कह रहा है, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करे, जैसे कि इसकी एग्जांपल देखिए, दिस मार्कर। अब क्या बोल रहा है, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद नाउन की ओर संकेत करे, मैं इसकी ओर संकेत करूं, दिस मार्कर, ठीक है, ये नाउन है, दिस मार्कर, दिस इसकी ओर संकेत कर रहा है, दिस मार्कर, ठीक है, इसे कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस फ्रॉग, दोस पेन, दैट पेन, दिस मार्कर, ओके। ये सब क्या हो जाएंगे, देखिए ये ऑब्जेक्टिव अपने तुरंत बाद, ये एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करता है, ठीक है, ये नाउन है और दिस क्या हो जाएगा, दिस के बाद इसको संकेत हो रहा नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इनको देखिए, कहता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यदि दिस दैट दिस दोस के तुरंत बाद नाउन है, अगर दिस दैट दिस दोस इसके बाद अगर कोई नाउन लगा है तो वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि दिस गर्ल इज प्रिटी, दिस गर्ल, इसके बाद नाउन लगा है कि नहीं लगा है, बिल्कुल नाउन लगा है, दिस गर्ल, दैट पेन, दैट के बाद नाउन लगा है कि नहीं लगा है, लगा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है ना दिस दैट दोस दिस के तुरंत बाद नाउन है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखिए, अब दिस दैट दिस दोस के बाद वर्ब है, ठीक है, कोई वर्ब लगी है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, जैसे कि दिस इज अ प्रिटी गर्ल, तो क्या ये दिस इज अ प्रिटी गर्ल, ये हेल्पिंग वर्ब लगी है ना, दिस इज अ प्रिटी गर्ल, दिस इज अ ग्रीन पेन, अगर दिस दैट दिस दोस के बाद किसी भी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ध्यान रखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, ठीक है, ये सबसे बड़ा फर्क है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या था, दिस दैट दोस के तुरंत बाद नाउन का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जहां कोई वर्ब लगी होगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की समझ में आ गया, आइए तो अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो इससे ये पता चल रहा है कि ये कोई क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है, ठीक है, जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करे, जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करे उसे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम, अब ये क्या काम हो रहा है, ये कार्य पूछने का काम कर रहा है, विच फ्रॉक, ठीक है, समझ में आया, कौन सी फ्रॉक, ओके, तो ये क्या है, जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करे, ओके। अब इसमें देखिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है, देखिए व्हाट, विच, हुज, ठीक है, इन शब्द के बाद अगर नाउन लगा है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे वो, ठीक है, जैसे व्हाट कलर, ठीक है, तो व्हाट के साथ क्या लग गया हमारा, कलर लग गया, तो ये अगर एडजेक्टिव है इसके साथ क्या लगा हमारा, नाउन का इस्तेमाल हुआ, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच स्टेट, कौन सी स्टेट है ना, तुम्हारी कौन सी स्टेट है, तो विच स्टेट, स्टेट क्या है, एक
ये हमारा नाउन है। विच के साथ स्टेट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो क्या है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। उसी के साथ इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, देखिए इन शब्द के साथ व्हाट विच हुज के तुरंत बाद किसी भी वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे व्हाट डू विच इज इनके साथ किसका इस्तेमाल हुआ है वर्ब का, ठीक है, वर्ब का इस्तेमाल हुआ तो क्या हो जाएगा ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी समझ में आ गया और ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी आ गया, ठीक है। उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करें जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का संबंध बताते हैं, है ना, जैसे कि माई अंकल, अब क्या ये मेरा और अंकल का संबंध बता रहा है, मेरे अंकल, और बुक्स हर हस्बैंड उसका हस्बैंड, तो क्या है संबंध बता रहा है, ठीक है। अब जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का संबंध बताएंगे, ठीक है, अब व्यक्ति के संबंध बता रहा ना, है ना, हर हस्बैंड भाई उसका पति, तो उस व्यक्ति के संबंध के बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसी कहेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। यहां तक समझ में आया, आइए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव में डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को कंपेयर करना, ठीक है, इसमें तीन डिग्री आती है, एक पॉजिटिव, एक कंपेरेटिव, एक सुपरलेटिव, ठीक है। पहला सेंटेंस पढ़िए, मोहन इज अ नोबल बॉय, ठीक है, मोहन इज अ नोबल बॉय, ये क्या है सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसे क्या कहा गया पॉजिटिव डिग्री। देखिए मोहन इज नोबलर देन सोहन, अब मोहन को सोहन से कंपेयर किया गया है, इसलिए इसे क्या कहा गया कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। मोहन इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, मोहन जो है वो नोबलेस्ट सभी लड़कों से, तो इसे क्या गया नोबलेस्ट ईएसटी का इस्तेमाल किया गया, सभी के साथ इसको कंपेयर किया गया, ठीक है, तो ये कौन सी होगी सुपरलेटिव, ठीक है। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपेरेटिव हो जाएगा, और सबके साथ वो सबसे नोबलेस्ट है, तो इसलिए इसे क्या दिया गया सुपरलेटिव कंपैरिजन, ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री होगी, ओके। तो आइए कुछ रूल जानते हैं किस तरह से सुपरलेटिव डिग्रीज कंपेरेटिव डिग्रीज बनती हैं। सबसे पहले देखिए एडजेक्टिव के बाद ईआर लगाने से कंपेरेटिव डिग्री और ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, कैसे देखिए बोल्ड, बोल्ड क्या होता है शास्त्री, तो अब इसको ईआर लगा दे तो क्या बन गया कंपेरेटिव, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मोहन इज बोल्डर देन सोहन, तो कंपेयर हो गया। सुपरलेटिव के साथ क्या लगाया ईएसटी, तो इस अगर हम इसे सेंटेंस में इसका इस्तेमाल करें किस तरह से करेंगे मोहन इज द बोल्डेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, ठीक है। उसके बाद देखिए कोल्ड कंपेरेटिव में ईआर और कोल्डेस्ट ईएसटी हो जाएगा, प्राउड प्राउडर प्राउडेस्ट हो गया, काइंड ये ईआर और ईएसटी लग गया सुपरलेटिव में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज जो है वो आप बना सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे एडजेक्टिव है जो इस तरह से बनेंगे इसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। आइए तो कुछ और रूल को हम फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो देखिए सेकंड रूल है यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो कंपेरेटिव में आर और सुपरलेटिव में एस टी लगाते हैं, कैसे लास्ट में देखिए क्या है ई है तो यहां पर आर लगा दिया, लास्ट में एबलेस्ट हो गया, ठीक है, एबल एबलर एबलेस्ट, ठीक है, एसटी लगा दिया। ब्रेड ब्रेड देखो लास्ट में क्या ई है तो यहां पे ई आर और एंड में ई एस टी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या ये ई डेंसर और ई एस टी लगा दिया, यहां पे ई आर लगा दिया और ई एस टी लगा दिया, ठीक है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग ये सारे डिग्री जो है वो चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये वाला देखिए पॉजिटिव डिग्री में वावल के साथ कंसोनेंट लगा हो, ठीक है, पहले वावल हो उसके बाद लास्ट में कंसोनेंट लगा हो तो कंपेरेटिव में क्या होता है ये जो कंसोनेंट होगा इसको दो बार लिख दिया जाएगा तो उसके साथ ई आर का इस्तेमाल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बिग का क्या हो जाएगा कंसोनेंट कौन सा यहाँ पे जी, तो जी का यहाँ पे टू टाइम इस्तेमाल हो गया और साथ में ई आर लग गया, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा ई एस टी हो जाएगा और जी यहाँ पे टू टाइम्स ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए
यहाँ पे क्या है, वॉवल के साथ कंसोनेंट है, ठीक है, पहले वॉवल फिर कंसोनेंट है, कंसोनेंट जाके क्या होगा कंपेरेटिव में दो बार लिख दिया जाएगा, ठीक है। फैट का क्या हो गया, फैट टू टाइम हो गया, ईआर लगा दिए साथ में और ईएसटी हो गया, फैट टेस्ट हो गया, ठीक है। हॉट, हॉट में देखिए क्या है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वॉवल, वॉवल के साथ क्या है कंसोनेंट, तो यहाँ पे जाके कंसोनेंट डबल हो जाएगा, तो आगे ईआर और ईएसटी लग जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गए, इस तरह के अगर आपको पॉजिटिव आ जाए तो आप उसको कंपेरेटिव किस तरह से करोगे, सुपरलेटिव किस तरह से करोगे, समझ में आ गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए अगर ये लास्ट में वाई हो, ठीक है, तो आगे जाके वाई कट के आई में बदल जाएगा और ई आर हो जाएगा, ठीक है। बीजी बीजीआर आगे वही ई एस टी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, अर्ली में वाई, तो वाई कट के क्या लग गया, आई और ई आर और ई एस टी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इजी, इजी में लास्ट में क्या वाई, वाई कट के यहाँ पे आई हो गया और ई आर और ई एस टी हो गया, ठीक है। ये कुछ रूल है, आइए तो कुछ और रूल भी है उनको भी डिस्कस करते हैं। उम्मीद कर तो ये वाले आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे और साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहे, ठीक है। आइए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसको कंपेयर करने के लिए हमें मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक, ब्यूटीफुल को अगर हम कंपेरेटिव डिग्री में लाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद अगर हम इसको लाएंगे सुपरलेटिव डिग्री में तो हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही केयरफुल, केयरफुल कंपेरेटिव डिग्री मोर कंपेयरफुल, उसके बाद अगर सुपरलेटिव में लाएंगे तो मोस्ट केयरफुल हो जाएगा, ठीक है। चीयरफुल, चीयरफुल को कंपेरेटिव में लाएंगे तो मोर चीयरफुल एंड मोस्ट चीयरफुल, ठीक है। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है। ये कुछ रूल है जो आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद है इरेगुलर कंपैरिजन, इरेगुलर कंपैरिजन को कोई भी रूल नहीं है, ठीक है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, रोज, रोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। इसकी डिग्रीज जो है इसमें कोई भी ऐसा वैसा रूल नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये बिना रूल के, ठीक है। देखिए ना गुड, बेटर, बेस्ट, अब गुड के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है कंपैरेटिव में, बेटर, बेटर के लिए बेस्ट, ठीक है, ऐसे बैड के लिए रोज और रोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे रूल ऑफ फॉर्मेशन कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। एडजेक्टिव होता है यहीं पे खत्म। उम्मीद करता हूं ये सारी वीडियो आपको पसंद में आई होगी, ठीक है। अगर आपको इस तरह से ग्रामर पढ़नी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब कुछ और भी हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर यहाँ पे वो समझना शुरू कर दे तो वीडियो एक दो घंटे की बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको सही से किस तरह से इस्तेमाल करना है विद रूल के साथ हम आपके पास आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।